अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुफीज़ मॉम्स किचन। तो आज बनाएंगे सूजी का हलवा, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ मैंने रेसिपी शेयर की है। रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बना लेंगे चाशनी। 1 कप चीनी ली है मैंने, इसमें 3 कप पानी ऐड करेंगे हम। इलायची ऐड करेंगे, तो इलायची को देखिए इस तरह से मैंने खोल लिया है। 3 इलायची ऐड कर रही हूँ मैं खोलकर, और कुछ सेफ्रन के स्ट्रैंड्स ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हो। फ्लेम को ऑन करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। तो यहाँ हमारी चाशनी में बॉईल आ चुका है, तो बस 2-3 अच्छे से बॉईल आ जाए फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। चाशनी को हमें थिक नहीं करना है। एक कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है। घी के गर्म हो जाने पर इसमें कटे हुए नट्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ सिर्फ बादाम और पिस्ता लिया है। आप किशमिश और काजू भी ले सकते हो, या अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। बस 1-2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। बहुत लो फ्लेम पर हम रोस्ट करेंगे क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत जल्दी से जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को तो मैंने निकाल लिया है। अब सेम कढ़ाई में मैं 1/2 कप घी ऐड कर लूंगी। इसमें ऐड करेंगे 1 कप रवा यानी कि 1 कप सूजी, और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। तो यहाँ हमारी सूजी बहुत अच्छी तरह से भून चुकी है। मैंने इसे 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भुना है, और इसका कलर आप देख सकते हो कितना चेंज हो चुका है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो चाशनी को मैंने कवर करके रख दिया था ताकि ये ठंडी ना हो। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे हम। चाशनी जो हमने रेडी की थी ये इसमें ऐड कर लेंगे, लेकिन याद रहे कि काफ़ी केयरफुली ऐड करना है हमें। तो 1/2 ऐड करके थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बाद बाकी का वापस से पूरा ऐड कर लेंगे। चाशनी एक साथ पूरी चाशनी नहीं ऐड करेंगे, और जल्दी से इसे मिक्स करते जाएंगे, नहीं तो जो रवा है उसके लम्स बन सकते हैं। यहाँ देखिए 1/2 चाशनी जो है हमारी रिड्यूस हो गई है। सूजी ने 1/2 चाशनी सोक कर ली है। इस पॉइंट पर हम अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे, बस थोड़े से बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। और अब इसे चलाते हुए ही हमें पकाना है। यहाँ मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स बताए हैं। 1 कप रवा, 3 कप पानी, उसके साथ 1 कप शक्कर, ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। फिर भी अगर आपको शक्कर कम ज़्यादा लगे तो आप यूज़ कर सकते हो। घी मैंने यहाँ पर 1/2 कप और 1 टेबल स्पून लिया है। अगर आप ज़्यादा घी डालना चाहते हो तो आप घी भी ज़्यादा ऐड कर सकते हो। यहाँ सूजी काफ़ी थिक हो चुकी है, सारी चाशनी एब्जॉर्ब कर ली है सूजी ने। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। माशाल्लाह सूजी का हलवा कितना बढ़िया बना है हमारा, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है। ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम बनाएंगे सूखी सेवई। बहुत ही इंस्टेंट, क्विक और टेस्टी डेजर्ट रेसिपी है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 1 टेबल स्पून घी गरम कर लेंगे हम, और कटे हुए नट्स इसमें ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ काजू, बादाम और पिस्ता लिया है। आप अपने पसंद के कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हो। बस 1-2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे हम, और फिर इसे निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में या सेम बर्तन में 2 से 3 टेबलस्पून घी और ऐड कर लेंगे। घी के पिघल जाने पर हमने इसमें सेवई ऐड की है, तो ये 150 ग्राम सेवई है। भुनी हुई सेवई का इस्तेमाल करना है हमें, और याद रहे कि सेवई को हमें ज़्यादा बारीक सा नहीं तोड़कर डालना है, बस
रफली थोड़ा सा मैंने ब्रेक करके से डाला है, क्योंकि भूनने पर ये और भी टूटती है पूरी बनने तलक के। तो देखिए लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसे भूना है। इसमें अच्छी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। अब इसमें शक्कर ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ आधा कप शक्कर ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हो। शक्कर डालने के बाद भी बस हमें इसे चला लेना है 1 मिनट के लिए, और फिर इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी में थोड़ा सा 2-3 पिंच ऑरेंज फूड कलर ऐड किया था। इससे एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है हमारी सेवइयों में। पानी ऐड करने के बाद भी हमें मीडियम फ्लेम पर सेवई को चलाते हुए पकाना है। तो देखिए यहाँ शक्कर भी मेल्ट हो चुकी है, और इसी तरह से हमें मीडियम फ्लेम पर इसे चलाना है। सारा पानी इसका ड्राई करना है हमें चलाते हुए। अब इसमें हम अपने नट्स ऐड कर लेंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। थोड़े से नट्स मैंने यहाँ पर बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। 1 चम्मच इलायची पाउडर भी ऐड कर लेंगे इसमें। आप चाहे तो थोड़ा सा रोज़ वाटर या केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हो। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए पानी यहाँ हमारा लगभग ड्राई हो चुका है। अब इसे कवर करके हम पका लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर 7-8 मिनट के लिए। तो 7-8 मिनट हो चुके हैं, और देखिए हमारी सेवई माशाल्लाह कितनी खिली खिली बनी है। सारा पानी भी इसका ड्राई हो गया है। अब इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डालूंगी मैं, जिससे कि हमारी सेवई का टेस्ट बहुत ही एनहेंस हो जाएगा। तो 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया है मैंने यहाँ पर। आप एक बार इस तरह से मिल्क पाउडर ऐड करके सेवई बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी बनती है। बस लो फ्लेम पर हमें इसे मिक्स कर लेना है, जब तक कि सारा मिल्क पाउडर इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हल्के हाथों से इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मिल्क पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है हमारी सेवइयों में। बस अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे हम। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।